आर यू स्टूडेंट? यू आर वॉचिंग ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 12th. टूडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3rd फॉर क्लास 12th. एंड टूडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी. ओके बेटा, हम ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आज का जो टॉपिक है हम देखेंगे गिब्स एनर्जी, गिब्स की ऊर्जा, ये गिब्स की मुक्त ऊर्जा. ठीक है, गिब्स की मुक्त ऊर्जा उसकी क्या डेरिवेशन है, इस टॉपिक को आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे. ओके तो ये मैंने आपके डेफिनेशन लिखी है क्या होती है, थोड़ा हम जनरली इसको समझेंगे. ओके नाउ इज द सपोज वन इज द गैल्वेनिक सेल. मान लो एक गैल्वेनिक सेल इस प्रकार से होती है ना. एक गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, दो भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें एक शॉर्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, और इसमें एक वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है ना. गैल्वेनिक सेल सपोज दैट, मान लो इस प्रकार से होती है. तो कोई भी गैल्वेनिक सेल एंड सिस्टम क्या कार्य, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, मतलब कोई भी गैल्वेनिक सेल क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है, ये हमें पता है. तो ये क्या कर रही है, एक वर्क करती है, कार्य कर रही है. और कौन सा वर्क कर रही है बेटा, इलेक्ट्रिक वर्क है ना, इलेक्ट्रिक वर्क ये करती है. ठीक है, वैद्युत कार्य करती है. तो वैद्युत कार्य ये करती है बेटा, इससे क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल भी होती है और अनरिवर्सिबल भी होती है. तो ये उत्क्रमणीय होती है, इसे यानी हम चार्ज भी कर सकते हैं, चार्ज भी होती है और डिस्चार्ज भी होती है. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कोई भी सिस्टम क्या करेगा बेटा, कार्य करने की दशा में इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है. ठीक है, और केमिकल डिकम्पोजिशन द्वारा केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेशन होता है. ठीक है, तो गिब्स ने क्या कहा कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में या किसी भी सेल में जो गिब्स की मुक्त ऊर्जा होती है, उस तंत्र यानी उस सिस्टम द्वारा, उस सिस्टम द्वारा या उस सेल द्वारा, ठीक है, किया गया जो वैद्युत कार्य होगा, कुल निहित कार्य जितना वो कार्य करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क उसके क्या होती है, बोला इक्वल देन होती है, उसके बराबर होती है. इसे ही हम गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहते हैं. क्लियर हो रहा है ना, बोला कोई भी सिस्टम या कोई भी सेल जितना इलेक्ट्रिकल वर्क करेगी, जितना भी वैद्युत कार्य करती है, वही क्या कहलाएगी, उसकी गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहलाती है, गिब्स की ऊर्जा कहलाएगी. ठीक है, क्योंकि कोई भी सिस्टम बेटा जितना वो कार्य करेगा, कार्य भाई ये सिस्टम क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. तो ये वर्क कर रहा है ना, ये सिस्टम कार्य कर रहा है, और कार्य, यही कार्य क्या कहलाएगा बेटा, गिब्स की ऊर्जा कहलाती है. सिंपल सा है. तो आई होप आप समझ गए होंगे. तो मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, देखो क्या होगी. तो किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, केमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल भी उसको कहते हैं, में रासायनिक ऊर्जा का क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है. तो रासायनिक ऊर्जा का बेटा वैद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना, ये हम जानते हैं, वी नो दैट. तो अतः कार्य करने की दशा में, यानी वो क्या करेगा बेटा, कार्य करता है. ठीक है, तो कार्य करने की दशा में, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर, भाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उसके प्रवाहित होने पर उसमें क्या होता है, एक कार्य निहित होता है, उसमें एक कार्य पाया जाता है. ठीक है, तो अतः सेल क्या होगी बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन करेगी, कि फलस्वरूप सिस्टम या सेल की, गिब्स की जो मुक्त ऊर्जा होती है, वो तंत्र या सेल द्वारा किए गए कुल वैद्युत कार्य के क्या होगी, बराबर होती है. ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, कुल वैद्युत कार्य के क्या होगी, बराबर होती है, यही गिब्स की मुक्त ऊर्जा कहलाती है. क्लियर हो गया बेटा. तो इसे बेटा गिब्स की मुक्त ऊर्जा डेल जी से, डेल आर जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और मानक अवस्था में क्या लगा देंगे, इसमें डिग्री लगा देंगे. तो डेल आर जी डिग्री से क्या करेंगे, इसे प्रदर्शित करते हैं. वैसे बेटा ये टॉपिक 11th पोर्शन में भी, आई होप आपने अगर पढ़ा हो तो 11th पोर्शन में भी आता है. ठीक है, आपकी साम्यावस्था चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें पोर्शन थोड़ा बहुत आता है इसका. तो डेल आर जी डिग्री मानक अवस्था में प्रदर्शित करेंगे. तो क्या कहना चाह रहा है, बोले गिब्स की मुक्त ऊर्जा यानी डेल आर जी किसके कुल वैद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क, वैद्युत, ये हो गया वैद्युत कार्य के क्या होगी, बराबर होती है. ये इसकी डेफिनेशन होगी. अब इसका व्युत्पन्न देखेंगे हम, गिब्स की मुक्त ऊर्जा की डेरिवेशन क्या है, व्युत्पन्न को. तो व्युत्पन्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा.
निकालना क्या है हमें पोर्शन, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब व्युत्पन्न डेरिवेशन देखो, यदि किसी भी सिस्टम में बेटा क्या हो, सपोज किसी भी सिस्टम में एन इलेक्ट्रॉन क्या हो, ट्रांसफर हो रहे हो, एन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हो, तो तंत्र में निहित जो कुल आवेश होगा, चार्ज होगा, वो क्या होगा, एन एफ कूलाम हो जाता है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, एंड एफ फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट, फेराडे नियतांक, फेराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 9650 कूलाम होता है ना, कूलाम प्रति मोल, तो 9650 होता है, तो एन एफ कूलाम के बराबर, यानी आवेश चार्ज क्या हो गया इसके लिए, एन एफ कूलाम हो गया। ठीक है, एक पोर्शन फर्स्ट। सेकंड हम बोल सकते हैं कि यदि सेल का जो वैद्युत वाहक बल है ईएमएफ या ई डिग्री, ठीक है, वैद्युत वाहक बल क्या हो, ईएमएफ हो या ई डिग्री हो, मतलब इसके लिए फोर्स क्या है, बल विभव, जो वोल्टेज होगा विभव वी क्या है, ईएमएफ है या ई है, ठीक है, तब इसका कार्य क्या होगा, तब सेल में निहित कुल वैद्युत कार्य, वो मैं इससे पहले लिखूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, तो V इजिकल टू विभव, वोल्टेज इजिकल टू होता है बेटा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। आई होप अगर आपने देखा हो बेटा तो फिजिक्स में भी आपको पढ़ने के लिए पड़ता है विभव, विभवांतर, V इजिकल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी वर्क इजिकल टू आवेश, तो सो दैट W इजिकल टू क्या होगा, V इंटू क्यू नॉट, यानी विभव और आवेश चार्ज। ठीक है, तो तंत्र द्वारा कुल वैद्युत कार्य, डब्ल्यू इलेक्ट्रिक वैद्युत कार्य बराबर, इलेक्ट्रिक कार्य क्या होगा, तब सेल का वैद्युत वाहक बल बल इंटू आवेश, आवेश, तो वैद्युत वाहक बल क्या हो गया, ईएमएफ इंटू आवेश क्या है यहां पे, एनएफ। ठीक है, या इसे आगे पीछे लिख दो, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ को शॉर्ट में उठा ई डिग्री और आगे एनएफ, यानी एनएफ ई डिग्री लिख सकते हैं, एनएफ ई डिग्री, यानी डब्ल्यू इलेक्ट्रिक क्या निकल गया हमारा, वैद्युत कार्य क्या निकल गया, एनएफ ई डिग्री, ये निकल गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मान फर्स्ट में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि डेल आर जी इजिकल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, तो यहां पे डब्ल्यू इलेक्ट्रिक का मान रखेंगे तो क्या होगा, डेल आर जी डिग्री इजिकल टू माइनस, सॉरी माइनस नहीं, एन एफ ई डिग्री, ये हो जाएगा एन एफ ई डिग्री फोर, तो यही डेल आर जी डिग्री के लिए फॉर्मूला है। गिब्स की मुक्त ऊर्जा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे कांस्टेंट, ई क्या है बेटा, ई एम एफ सेल का वैद्युत वाहक बल या सेल विभव जिसको कहेंगे, सेल पोटेंशियल है या सेल का वैद्युत वाहक बल, ई एम एफ, क्लियर हो गया। अब वर्क हमेशा कर रहा है बेटा, तो वर्क क्या हो, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, होता है ना भाई कार्य, आप सपोज दैट यहां से यहां तक चलने का कार्य मैं कर रहा हूं, तो उसको कैसे डिनोट करूंगा, मैं यहां से यहां तक की दूरी लूंगा तो नेगेटिव हो गया ना, यहां से यहां तक दूरी मापूंगा तो नेगेटिव हो गया, तो ऋणात्मक होगा तो यहाँ पे एक साइन आ जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो तो एक साइन क्या हो जाएगा, डेल आर जी इजिकल टू माइनस, माइनस में हमेशा आता है एन एफ ई डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा ये माइनस में आएगा, कार्य में सदैव ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस एनएफ ई डिग्री ये हो जाएगा। या और इसे अगर मानक अवस्था में लिखो तो गिब्स की मुक्त ऊर्जा माइनस एन एफ ई डिग्री, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे नियतांक, ई क्या है बेटा, ईएमएफ है, मानक अवस्था में तो डेल आर जी डिग्री इजिकल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, ये भी इसको लिख सकते हैं, तो यही क्या है गिब्स की मुक्त ऊर्जा के लिए क्या है, सूत्र है, डेरिवेशन है, पोर्सन है। थोड़ा इसके साथ बेटा इसमें केसी भी यदि हम जोड़ दें कि साम्य स्थिरांक तथा गिब्स की मुक्त ऊर्जा में क्या संबंध है, ये गिब्स की मुक्त ऊर्जा और नन्ना समीकरण में क्या संबंध है, तो इस पोर्शन को कैसे जोड़ेंगे, इतना क्लियर हो गया, यही गिब्स की मुक्त ऊर्जा के लिए क्या है, डेरिवेशन थी। अब इसके साथ पोर्शन सपोज दैट हम क्या जोड़ते हैं कि गिब्स की मुक्त ऊर्जा के लिए साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होगा, तो इस पोर्शन के लिए कि वी नाउ दैट, एक फॉर्मूला बेटा जब साम्य स्थिरांक वाला पोर्शन बताया था तो तब मैंने आपके लिए, तब आपने देखा होगा, वी नाउ दैट ई डिग्री इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग पी सी, ये फॉर्मूला था एक कि माइनस ई डिग्री इज इक्वल टू होता है माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, जब ई इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, जीरो करते हैं तो ई डिग्री ये निकल जाता है, माइनस नहीं सॉरी प्लस में,
माइनस तो पहले था, इधर आ गया वो प्लस में हो गया, तो ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई डिग्री इजिकल टू आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। तो इसको रीअरेंज हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई डिग्री इजिकल टू लॉग का पोर्शन आया, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो लॉग के सी बेटा ई डिग्री इजिकल टू, तो ई डिग्री में हमने 2 पॉइंट लॉग के साथ बेटा एक वैल्यू भी आएगी ना, है ना, लॉग बेस 10 में है तो लॉग बेस 10 में 2.303 ये भी आता है, या इस तरह से उसमें लॉग के सी में मिला होगा, या इस तरह से भी मिल सकता है, ई डिग्री इजिकल टू ये रहा होगा 2.303 303, या सीधे कैलकुलेट करके आर टी एफ की वैल्यू रखते हैं तो 0.0591 अपॉन एन एफ या एन लॉग के सी ये वैल्यू रहती है। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो यही इक्वेशन निकलेगी ना ये वाली, तो इस इक्वेशन की ई डिग्री की वैल्यू हमें पता है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन लास्ट ई डिग्री, यहाँ पे ई डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो डेल आर जी आ जाएगा, तो डेल आर जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ई डिग्री की वैल्यू क्या है 2.303 आर इंटू टी अपॉन एन एफ लॉग के सी, तो इसे एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल आर जी डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2.303 303 आर टी लॉग के सी, ये पोर्शन इससे आ जाता है लॉग के सी। अब लॉग के सी निकालना हो तो रिप्लेसमेंट कर दो, लॉग के सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसे लॉग के सी भी आ जाएगा, है ना, तो यही थोड़ा पोर्शन है, अगर मतलब लॉग के सी की वैल्यू दे रखी है, के सी दे रखा हो, डेल आर जी निकालना हो तो इसी क्वेश्चन से निकालेंगे, और डेल आर जी डिग्री यानी किया गया वैद्युत कार्य, बेटा बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि ई डिग्री दे रखा हो, किया गया वैद्युत कार्य की गणना करो, तो डेल आर जी डिग्री डायरेक्ट निकाल देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे डेल आर जी डिग्री इजिकल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, तो ई डिग्री दे रखा हो, एफ की वैल्यू हमें पता होती है, एंड देखना इक्वेशन में क्या होगा डेल आर जी, किया गया वैद्युत कार्य बोलो या गिब्स की मुक्त ऊर्जा की गणना करो, वो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, और केसी दे रखा हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे तो ये भी निकल सकता है कि लॉग केसी इजिकल टू, लॉग केसी इजिकल टू क्या हो जाएगा डेल आर जी डिग्री, डेल आर जी डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगी, माइनस में आगे आएगा प्लस में, तो डेल आर जी डिग्री प्लस ये पोर्शन हो जाएगा, या इसे बटे में भी ला सकते हैं, है ना, तो इस पोर्शन से ये निकल जाएगा। वैसे यहीं तक ज्यादा पोर्शन आगे करने की आवश्यकता नहीं होती है, लॉग केसी दे रखा हो तो यहां से निकाल सकते हैं, क्लियर। और वो किस तरह से निकालते हैं एक मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, सपोज दैट ई डिग्री वगैरह दे रखी हो, एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें इक्वेशन है फॉर एग्जांपल देख लो बेटा, एग्जांपल इक्वेशन है एफ ई टू प्लस आयन प्लस ए जी गिव्स एफ ई प्लस ए जी प्लस आयन, ये इक्वेशन है, इसमें गिवन है बेटा ई डिग्री ए जी प्लस आयन स्लैश ए जी इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, और ई डिग्री एफ ई टू प्लस आयन स्लैश एफ ई इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट, ये पोर्शन दे रखा है, तो डेल आर जी कैलकुलेट करो यानी गिब्स की मुक्त ऊर्जा की गणना करो या की गई वैद्युत कार्य की गणना करो। अब कैसे इस पोर्शन को हम निकालेंगे वो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये इक्वेशन दे रखी है, पहले तो इसके लिए इक्वेशन यानी कैथोड माइनस एनोड पहचानेंगे, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन पहचानेंगे, तो एफ ई टू प्लस आयन पहले है एफ ई बाद में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं एफ ई टू प्लस आयन यानी पहले ले रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा गिब्स एफ ई बना देगा, यानी ये पोर्शन हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और रिडक्शन हो रहा है यानी किस पे होगी रिएक्शन कैथोड पे, एनोड के लिए बेटा ए जी एजी का एजी प्लस आयन में, तो एजी गिव्स एजी प्लस आयन यानी प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, और ये किस पे होगी एनोड पे, है ना। बट अब इक्वेशन हमने बैलेंस करनी है, इसमें टू इलेक्ट्रॉन है इसमें वन है, तो इसको मल्टीप्लाई इंटू टू, तो ये टू एजी प्लस आयन टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दैट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन इज एफ ई टू प्लस प्लस टू ए जी गिव्स एफ ई प्लस टू ए जी प्लस आयन, अब बैलेंस ये हो चुकी है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पहचान गए, तो डेल आर जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, ये निकालना हो तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं ट्रांसफर टू हो गया, एफ इजिकल टू
96500 कूलाम कूलाम प्रति मोल, और ई डिग्री, अब ई डिग्री निकालना हो, ई डिग्री यानी सेल का वैद्युत भाग बल या सेल विभव, इजिकल टू क्या होता है, ई डिग्री राइट माइनस ई डिग्री लेफ्ट, यानी ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, होता है फॉर्मूला। तो ई डिग्री कैथोड क्या है, ई डिग्री कैथोड, कैथोड देखो कैथोड क्या है बेटा, एफ ई टू प्लस आयन स्लैश एफ ई, तो एफ ई टू प्लस आयन स्लैश एफ ई माइनस ई डिग्री, एनोड पे क्या है ए जी स्लैश ए जी प्लस आयन या ए जी प्लस आयन स्लैश ए जी, तो इनकी वैल्यू दे रखी है गिवन है। तो ई डिग्री सेल इजिकल टू ई डिग्री एफ ई टू प्लस आयन, क्या वैल्यू है एफ ई टू प्लस आयन की दे रखी है 0.77 माइनस ई डिग्री ए जी प्लस आयन की वैल्यू क्या है 0.80। अब कर दो इसे, इससे ई डिग्री निकल जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि जितना भी पोर्शन आएगा वो ई डिग्री हो गया, ई डिग्री पोर्शन निकल गया, और वो ई डिग्री की वैल्यू यहां पे रखेंगे बेटा, एन एफ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो किसमें निकलेगा बेटा, डेल आर जी डिग्री का जो यूनिट होगी क्या होगी, जूल, जूल, लेकिन उसे बेटा किलो जूल में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई 1000 करो, हमेशा किसमें निकालना, किलो जूल में निकाल देंगे, क्लियर हो गया। तो इस तरह से बेटा डेल आर जी निकालते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, और कोई भी क्वारीज हो बेटा तो आप ऑलरेडी लिख सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू।